हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आधुनिक तकनीकी की खेती से होगी आर्थिक उन्नति। जिला कलेक्टर राजसमंद। परंपरागत खेती के स्थान पर आधुनिक तकनीकी का उपयोग करने पर किसानों की आर्थिक उन्नति होगी। इससे किसानों के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। इसलिए सभी किसान आधुनिक तकनीक के उपयोग और वाणिज्यिक फसलों की ज्यादा से ज्यादा बुआई करें। ये विचार आज कानादेव का गुड़ा में आयोजित फॉलो अप शिविर में जिला कलेक्टर नीलाब सक्सेना ने व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि राजसमंद जिले में किसानों की उन्नति हेतु 3,000 से अधिक किसानों को वाणिज्यिक फसलों के उन्नत बीज वितरित किए गए हैं। शिविर की अध्यक्षता करते हुए कांग्रेस जिला अध्यक्ष हरि सिंह राठौड़ ने क्षेत्र के विकास में हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि नवीन पंचायत भवन के साथ साथ पटवार भवन का भी शीघ्रता से कार्य स्वीकृत किया जाएगा। इससे पूर्व शिविर प्रभारी डॉक्टर दिनेश राय सापेला ने शिविर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। प्रारंभ में पूर्व प्रधान शांतिलाल कोठारी के नेतृत्व में ग्रामीणों ने अतिथियों का जोरदार स्वागत किया। स्वागत उद्बोधन विकास अधिकारी भुवनेश्वर सिंह चौहान ने दिया। तहसीलदार राजेंद्र भारद्वाज ने बताया कि राजस्व विभाग द्वारा 17 नामांकन खोले गए, 2 सहमति विभाजन किए गए, साथ ही 70 रिकॉर्ड शुद्धिकरण और 23 प्रतिलिपियां दी गई। पंचायत राज विभाग द्वारा 4 पट्टे जारी किए गए। प्रधानमंत्री आवास की तृतीय किश्त 76 में से 43 जारी की गई। कुल नरेगा श्रम नियोजन 1361, साथ ही 7 मनी ऑर्डर पेंशन, 1 हेल्थ पेंशन, 8 रिटर्न पेंशन के आवेदन निरस्त किए गए एवं 6 राशन कार्ड प्रिंट किए गए। चिकित्सा विभाग द्वारा 40 दवा वितरण, 8 दिव्यांग प्रमाण पत्र, 6 बीपी शुगर की जाँच की गयी, वही 39 लोगों को आयुर्वेद विभाग द्वारा दवा वितरित की गयी। पशु चिकित्सा विभाग द्वारा 49 दवा वितरण की गई, साथ ही कृषि विभाग द्वारा 66 मिर्च मिनी किट वितरण किए गए एवं 35 के मृदा कार्ड जारी किए गए। विद्युत विभाग द्वारा 3 मीटर वितरित किए एवं 2 प्रार्थियों का शिकायत निवारण किया। रोडवेज द्वारा 1 व्यक्ति को रोडवेज पास भी जारी किया गया। जागरूक टीवी के लिए राजसमंद से नरेंद्र सिंह खंगारोत की रिपोर्ट।